हेलो गाइस, दिस इज़ फराज एंड यू आर वाचिंग स्टंटर एफ आर जेड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई एम बैक विद ए न्यू वीडियो और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ड्रैग रेस जो कि हमारी होने वाली है ड्यूक 200 और बिल्कुल ब्रांड न्यू BS6 पल्सर N250 के बीच में। तो ये जो बाइक है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि आपने मेरा रिव्यू भी देखा है, नहीं देखा है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये बाइक है हमारी पल्सर N250 जो कि 249cc में है, 5-speed गियर हैं, ऑयल कूल्ड इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इंजन टेक्नोलॉजी वो ऑयल कूल्ड है और ये 162 kg की है। और अगर हम बात करें ड्यूक 200 की तो ड्यूक 200 हमारी BS4 बाइक है और ये हमारी बाइक 200cc की है। इसकी 25 bhp है, इसकी 24 bhp है। तो इसके अंदर जो है जो हमारे गियर्स हैं वो 6 gears हैं और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है। तो दोनों में कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा है और इसमें थोड़ा वेट कम है, ये 125 kg की है। और यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे गियर्स मिल जाते हैं वो 5-speed गियर्स हैं, यहाँ पर जो हमें गियर्स मिलते हैं वो 6 gears हैं। तो अब यहाँ पर CC ज़्यादा है और यहाँ पर थोड़ी एडवांटेज ज़्यादा है, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाइट वेट है, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा ड्यूक 200 में। तो हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपनी बाइक पर और ये देखिएगा मैं राइड करने वाला हूँ पल्सर N250 और भाई यार राइड करने वाले हैं हमारे राघव भाई ड्यूक 200। सो गाइस, मेरा सब लोगों से ये कहना है कि आप लोग जब भी रोड पर हों तो प्लीज़ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, आप लोग हेलमेट ज़रूर पहने और जो लोग थोड़ा रफ राइडिंग करते हैं वो लोग ना करें। ये सिर्फ हमारी जो वीडियो है वो सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए है, जैसे कि हम इस रोड पर नॉर्मली चलते हैं तो हम लोग कोई एक चैम्पियनशिप या कोई रेस वैसे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग इसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं 0 to 100। तो यहाँ पर है ड्यूक 200 और यहाँ पर है अपनी N250। तो आइए हम लोग अपने इस ड्रैग को स्टार्ट करते हैं। तो राघव भाई ओके, सो थोड़ा सा रोड क्लियर होने के बाद हम लोग अपनी इस ड्रैग को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर अपनी ड्रैग स्टार्ट होने वाली है और बाकी N250 की अगर मैं पावर की बात करूँ तो अच्छी पावर पकड़ रही है, काफ़ी अच्छी है पावर, बहुत अच्छी पकड़ रही है। और यहाँ से हम थोड़ा सा सेफ रोड को देखते हुए अपने इस ड्रैग को स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक बार यहाँ से भाई के साथ इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। आओ थर्ड ऑन पे, थर्ड ऑन पर मेरे में है ना। गाइस, ये था अपना फर्स्ट अटैम्प्ट, अब सेकंड में देखते हैं, थोड़ा सा इधर से कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं। मेरे को लग रहा है निकल जाएगी, असल में मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ गया था। आओ चलो थर्ड ऑन पर काफी अच्छी खिंच रही है और हम लोग आगे निकलने ही वाले हैं और निकल गए फाइनली। 140 लग गई है बाइक, 141, थोड़ा हल्का करना होगा। और ये देखिएगा, मतलब लीड पकड़ नहीं थी इसने, काफ़ी अच्छी गई। अब थोड़ा सा रश आ गया था तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे को स्पीड स्लो करना पड़ा। तो फाइनली यार
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा शायद ऑयल कोल्ड होने की वजह से बाइक परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की रह जाएगी, तो मैं इसकी टॉप स्पीड टेस्ट भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अभी आपको बताइएगा कि किसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी। वैसे मेरे को लगता है कि लॉन्ग रूट पर ये हार नहीं मानने वाली है। हाँ, अगर हम लोग बाइक पर दो बैठ जाते हैं तो वहाँ पर आकर के थोड़ी सी जो है ड्यूक में बेनिफिट ये हो जाता है कि ड्यूक जो है ना वो लगभग 137 के आसपास जो है लॉक है, और ये अभी अनलॉक मेरे को लग रही है 141 तक ये चली गई थी, 141 142। तो वहाँ पर मुझे इसका एडवांटेज ये लगा कि सिंगल राइड में तो ये जीतेगी, अगर सिंगल राइडर है तो ये ड्रैग में आगे रहेगी, और अगर बात करें हम डबल राइडर्स की तो उसमें परफॉर्मेंस उसकी काफ़ी हाई हो जाती है, और मुझे लगता है कि ड्यूक जो है डबल राइडर्स में ड्यूक आगे रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि डबल राइडर्स के साथ भी इसको ट्राई करें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Flow like water, so I'm going mainstream.